तो आई एम अज्यूमिंग की मेजोरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो मैंने कोशिश की है इस टॉपिक को मैं जितना सिंपल बना सकूं आपके लिए ऑल दो जो टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजी है इसकी वो तो मैं चेंज नहीं कर सकती जो मेथड के नाम है वगैरह वो आपको वैसे ही याद करने हैं बट मैंने कोशिश की है इसको काफ़ी सिंपल बनाने के लिए तो आपको क्या करना है इस लेक्चर काफ़ी ध्यान से सुनना है दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो ये इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड लेकिन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले इसको काफ़ी ध्यान से सुने ठीक है तो ये लेक्चर के साथ ही हमारा यूनिट फाइव का सेकेंड लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा तो जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दू मैं अपनी चैनल पर कोर्सेज लेके आती हूँ जेके एस एस बी के एंड आपके यूपीएससी एंड स्टेट पी एस सी ऑप्शनल के ठीक है जेके एस एस बी में हमारा स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट कवर होने वाला है एंड प्लस इसमें जीके का कोर्स चल रहा है जिसमें करंटली हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं विथ इज यू जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के ठीक है एंड अगर आप यूपीएससी या स्टेट पी की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो भी आपको एक डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी चैनल पर नितिन सांगवान एसेंशियल सोशलॉजी नाम से वहाँ पर पे हमारा पेपर ए ऑफ़ सोशलॉजी ऑप्शन कम्प्लीट हो गया है एंड करंटली पेपर बी हमारा चल रहा है ठीक है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जितने ज़्यादा आप वीडियोज देखेंगे व्यूज़ आएंगे एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगी कि मैं आपके लिए एग्जाम ऑरिएंटेडेड जो वीडियोज़ हैं अलग अलग प्ले लिस्ट है वो लेके आऊँ अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो आपको कॉमेंट्स में एक हार्ट के अंदर डॉलर साइन मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं ठीक है तो ये मेरा प्रोफाइल है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ वो आप यहाँ से देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से एनालिसिस ऑफ फूड पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेंगे उसके बाद हम स्लाइड्स देखते हैं ठीक है तो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड होता क्या है एंड हमें करते क्यों हैं ठीक है थीके? तो केमिकल एनालिसिस क्या हुआ बेसिकली आप इसमें देखते हो आपके फूड के अंदर क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट मीन्स आपके फूड में प्रोटीन्स कितने हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं वाटर कंटेंट कितना है फैट कंटेंट कितना है ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी जब हम उसके जो कॉम्पोजिशन है उसको परखेंगे उसको स्टडी करेंगे अलग अलग टेक्निक से डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे फूड में ये सारी चीज़ें कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो इससे क्या होगा एंड प्लस हमें टॉक्सिन्स फूड में कितने हैं कंटेमिनेटेड कितना है फूड ये सारी चीज़ें भी हमें उसके एनालिसिस से पता चलेंगी इससे क्या होगा एक तो हमें क्वालिटी पता चलेगी हमारे फूड की ठीक है एंड उसमें कितने असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ताकि जब कल को फूड की प्रोसेसिंग होती है तो हमें ये पता चले हमें कितने और न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करने की ज़रूरत है तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए एंड उनको आगे इन्हांस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है केमिक, केमिकल एनालिसिस ऑफ तो फ़ूड की अब वो केमिकल एनालिसिस फूड का करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं एंड कुछ मैथडोलॉजीज़ होती हैं ठीक है तो बेसिकली हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है जो आपके फूड का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है उसको आ, इंडिकेट करने के लिए आपके पास या उसको डिटरमिन करने के लिए उस कॉम्पोजिशन को आपके पास क्या क्या मैथडोलॉजीज़ हैं तो वो जो मेथड्स हैं वो हमें सारे यहाँ पे देखने हैं ठीक है तो लेक्चर थोड़ा लंबा है एक ही में आए गेस कंप्लीट नहीं होगा तो हम इसमें क्या करेंगे हम ये एक दो पार्ट्स में वीडियो जो है कंप्लीट करेंगे केमिकल एनालिसिस ऑफ ए फूड ऑफ फूड और एग्जामिनेशन ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे मैंने कहा वो डिटरमिन करेगा न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है फूड का एडिटिव्स क्या क्या एक्स्ट्रा में एड करते हैं कंटेमिनेंट्स क्या है जो फूड को खराब करते हैं और इसमें क्या क्या सब्सटेंसेज प्रेजेंट है दिस प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड्स वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स जो क्वांटिफाई करता है डिफरेंट कॉम्पोनेट्स जैसे हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जो बताएगा प्रोटीन कितने हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं फैट्स कितने हैं वाइटमिनस मिनरल्स एडिटिव पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिन्स कितने सारे हमारे फूड में प्रेजेंट है इससे हमें फूड सेफ्टी के बारे में पता चलेगा कंजम्पन के लिए कितना सेफ है क्वालिटी कंट्रोल का पता चलेगा ठीक है क्वालिटी हम फूड की जो है कैसे मेंटेन कर सकते हैं कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की जो रेगुलेशन दी गई हैं किसी फूड में कितने क्वांटिटी में क्या होना चाहिए वो सारी चीजें फॉलो होती हैं कि नहीं एंड न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो है उसकी एक्यूरेसी कितनी है आपने देखा होगा फूड के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसमें लिखा होता है ना न्यूट्रिशन इसका कार्ब इसमें इतने हैं फैट्स इतने हैं वाटर कंटेंट इसका ऐसा है तो ये सारी चीजें पता होने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं एंड इसी को कलेक्टिवली केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड बोला है जिससे हम फूड का जो कम्पोजिशन है वो डिटर्मिन कर सकते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प करता है एंड रेगुलेटरी एजेंसीज को भी हेल्प करता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम ऐसे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स लेके आते हैं जो रेगुलेट कर सके इन सारे आइटम्स को जो अपने फूड में ऐड करते हैं और कंज्यूमर्स को भी क्योंकि हम इनफॉर्म डिसीजन बना सकते हैं हमें पता रहना चाहिए जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें कार्ब कितने ग्राम है प्रोटीन कितने ग्राम है ठीक है तो ये सारे लोगों के लिए ये जो केमिकल एनालिसिस है वो बेनिफिशियल होता है पहले क्या होता था जो फूड एनालिसिस है इसको यूजुअली कंसर्न क्या था मेनली इसका कंसर्न था फूड एडल्ट्रेशन के साथ कि आपके फूड में कितने ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें डाली जाती हैं जिससे आपका फूड ख़राब हो जाता है एंड कितने उसमें आप कितनी एडल्ट्रेशन डालते हो कितना इम्प्योर है आपका फूड ठीक है आपने अगर फूड एडल्ट्रेशन पढ़ा होगा हमने स्कूल में कभी साइंस में पढ़ा था जैसे इसमें लिखा जाता है कि आपकी जो रेड चिल्लीज है रेड चिल्ली पाउडर रेड चिली पाउडर तो उसमें आपको ब्रिक जो है ईंट उसका मिक्सचर थोड़ा चूरा देखने को मिलेगा तो ऐसे करके आप कितना किस लेवल का आप जो है अपने फूड को इम्प्योर करते हो तो पहले एनालिसिस सिर्फ इस चीज के साथ कंसर्न था लेकिन अब इसको एक पॉजिटिव एंड ब्रॉडर व्यू पॉइंट में देखा जाता है अब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या एसेंशियल न्यूट्रिय है हम उनको भी कैसे इनहांस करें हम वो चीज़ें भी पता लगाएं केमिकल एनालिसिस से जो प्रोसेस्ड फूड्स है आर प्रोड्यूस इन द लिमिट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन जैसे मैंने कहा कुछ एक रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हो और उनको कंप्लाई करना होता है बाकी लीगल एंड बाकी लीगल और, और भी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स के साथ जिसमें आपके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन ठीक है इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपना प्रोसेस्ड फूड है वो तैयार करना होता है तो ही आपको वो मार्क वगैरह मिलता है जो मैंने आपको बोला था वो एफ एस एस सी आई अप्रूव तो ही आपका फूड आइटम जो है प्रोसेस्ड फूड वो करेगा फाइन तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन केमिकल एनालिसिस का फूड इंडस्ट्री में वेरियस फूड कॉम्पोनेंट जो है एंड पैरामीटर्स है आर एनालाइज बोथ रॉ में भी एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में भी तो हम रॉ फूड जो है जैसे आपके सीड्स हो गए या नट्स हैं ग्रेन्स हैं इनका भी हम एनालिसिस करते हैं देखने के लिए इनमें कितना वाटर कंटेंट है ठीक है या इनमें अगर इसका भी हमें न्यूट्रिशनल कंटेंट देखना हो उसको भी हम एनालाइज करेंगे एंड प्रोसेस्ड फूड को भी करेंगे ठीक तो है तो इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए वेलबींग well के लिए एंड सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स के लिए नॉलेज ऑफ केमिकल एंड द बायोकेमिकल कॉम्पोजन ऑफ फूड जो है ये इंपॉर्टेंट है मैनुफैक्चर के लिए इन अंडरस्टैंडिंग हमारे काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सो so दैट जो अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको मेंटेन कर सके एंड इंप्रूव भी कर सके ड्यूरिंग एंड आफ्टर फूड प्रोसेसिंग ठीक है तो केमिकल क्या हुआ उनके लिए माइक्रो न्यूट्रिय क्या है फूड के एंड माइक्रो न्यूट्री कारोटी वो सारा केमिकल बायोकेमिकल हो गया एनजाइम्स प्रेजेंट एमाइनो एसिड्स वगैरह ठीक है तो ये सारा आपका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन हो गया तो मैन्युफैक्चरर्स को जो क्या करते हैं प्रोसेस फूड तैयार करते हैं प्रोसेस फूड मैंने कल भी आपको कहा था रॉ मटीरियल को आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हो वो आपका क्या बनता है प्रोसेस फूड फिनिश्ड में और सेमी फिनिश्ड में ठीक है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको फूड का केमिकल कंपोजिशन भी पता रहे उसके रॉ मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन भी पता रहे ठीक है एंड उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन भी पता रहे तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी जहां से अगर थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ ली ठीक है इतना समझ गए इतने इसके लिए आपको कोई स्पेशल साइंस की नॉलेज की जरूरत नहीं थी अब अगर आपके लिए ज्यादा सिंपल हो रहा है थोड़ा हम इसको कॉम्प्लिकेट करें अब इसमें कुछ मेथड्स डाल के अब कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पढ़ने दैट आर यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड उसमें आगे आपका प्रोक्सीमेट एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी मॉस स्पेक्ट्रोमेट्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइट्रेशन माइक्रोस्कोपी ठीक है अब देखो इसका पहला पॉइंट प्रोक्सीमेट एनालिसिस ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस जो है ये डिटर्मिन करता है बेसिक कॉम्पोनेट्स आपके फूड का जैसे आप ब्रेड खाते हो ये बताएगा उस ब्रेड में मॉइस्चर कितना है दैट मीन्स वाटर कंटेंट कितना है प्रोटीन कितना है फैट कितने हैं कार्ब कितने हैं फाइबर कितना है और एश कंटेंट कितना है तो हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़नी है मॉइस्चर डिटरमिन करने के लिए डिटेक्ट करने के क्या टेक्निक्स हैं प्रोटीन की क्या है फैट कैसे कर सकते हैं कार्ब कैसे कर सकते हैं फाइबर एंड एश कंटेंट कैसे कर सकते हैं ये हम सारा सेपरेटली पढ़ेंगे और जो आप यहाँ देख रहे हो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये के टेक्निक्स के नेम है जो ये सारी चीजें डिटर्मिन करती हैं ठीक है थीके? तो जब आप मॉइस्चर कहीं, कहीं आप, आप प्रोटीन कहीं कहीं देखोगे तो ये क्या है तो अगर आपको अगर आप बोलो कि मुझे क्या मजबूरी है मैं क्यों देखूं कि मेरे फूड में कितना मॉइस्चर है आप देखो आपको अगर फूड का वेट देखना है एक्चुअल वेट आपको फूड का देखना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा उसके अंदर जो पानी है फूड के अंदर वो पहले आपको उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा ठीक है ना तो आपको ड्राई वेट देखना है फूड का तभी आप एक्चुअल वेट जो है फूड का वो डिटर्मिन कर पाओगे तो वो ड्राई वेट कैसे आप देखोगे आप उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को निकालोगे ठीक प्लस जितना मॉइस्चर फूड में होगा जितना उसमें वो वाटरी मिक्सचर होगा उतना ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी वहां पे होगी ठीक है जैसे मैंने कल भी कहा किसी ह्यूमिड एरिया में आप खाने को बाहर रखो उसमें ज्यादा मॉइस्चर आएगा उस फूड में ठीक है तो ज्यादा मॉइस्चर आने में क्या चांसेस है उसके फूड के स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी ग्रोथ काफी अच्छे से होती है जहां ज्यादा मॉइस्चर उसको मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे फूड का मॉइस्चर कंटेंट कितना है ताकि क्वालिटी उसकी रहे क्वालिटी मेंटेन रहे फूड की ठीक है उसमें स्टेबिलिटी आए वो जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो जाए एंड देन शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना पानी जो है हमें फूड में रखने की जरूरत है क्योंकि किस एक पानी की लिमिट के बाद वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ सकती है तो इन सारी चीजों का हमें पता रहना जरूरी है इसीलिए हमें यह देखना है मॉइस्चर हम कैसे डिटरमिन करते हैं अब उसके हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो हम आगे देखेंगे अब मॉइस्चर डिटर्मिन आप कैसे कर सकते हो सीधी सी बात है इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही देखनी होगी ना ऐसा तो नहीं आप ब्रेड में अगर आप मॉइस्चर देख रहे हो आप उसमें से खींच के तो नहीं निकाल सकते ना हाथों से पानी आपको कुछ मेथडोलिजी मेथोडोलॉजी चाहिए उस चीज के लिए। तो वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा हम साइंस के अंदर अंदर घुस रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कुर्सी की पेटी बांध के रखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें हम देखेंगे पहले मॉइस्चर कैसे हम डिटेक्ट करते हैं मॉइस्चर जो है वो होता क्या है बेसिकली वाटर ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड है इज वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट कंसर्न टू प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी एंड केमिस्ट भी तो आपके केमिस्ट भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उनको भी मॉइस्चर का जरूरी देखना होता है कि मेडिसिन में कितना ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए कंज्यूमर के लिए भी है क्योंकि जब एक बार फूड लेके आए वो तो उनको पता होना चाहिए कितनी उसका शेल्फ लाइफ क्या है कितनी जल्दी वो जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है प्रोड्यूसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको अपना फूड वैसे ही बनाना होता है उसको देखना होता है कि मैं जो फूड मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ इसको मैं कितना डेंस बनाऊं डेंस मतलब होता है कितना गाढ़ा इसको बनाऊँ मोटा बनाऊँ ताकि वाटर क्वांटिटी में उस हिसाब से रखूँ कि जल्दी स्पॉइल ना हो ठीक है तो वेट ऑफ द फूड जो है हैज लिटिल सिग्निफिकेंस अनलेस टेकन विद द वॉटर कंटेंट अगर जो वेट ऑफ द फूड है उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा अगर आपने उसमें वाटर कंटेंट कितना है ये मेजर नहीं किया होगा ठीक है तो ये उतनी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है हम वाटर कंटेंट कैसे मेजर करना है हमें वो हमें जो है इंपॉर्टेंट है वो देखना है द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर जो है अब वो चैलेंजिंग भी होगा कोई आसान बात थोड़ी आप सोचो आपके सामने ब्रेड का पीस है आपको बताना है इसमें कितना वाटर कंटेंट है अंदर अब प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इज अ डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग ऑल ऑफ द वाटर फ्रॉम द फूड सैंपल रिजल्टिंग इन द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट कि कितना भी हम परफेक्ट अपना मेथड एम्प्लॉय करने की कोशिश करें हम सारा मॉइस्चर कंटेंट निकालना हमारे लिए मुश्किल है इस वजह से क्या होता है हम सही से नहीं बोल पाते उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है सेकेंडली

वो निकालने के लिए हमें टेम्परेचर अकॉर्डिंगली चाहिए हमें प्रेशर उस क्वांटिटी uh, का चाहिए हमें बाकी सारी केमिकल्स भी यूज करने पड़ेंगे तो हो सकता है ये सारी चीजें उल्टी पड़ जाए यहाँ पे एंड मॉइस्चर निकालने के चक्कर में फूड डिकम्पोज हो जाए जब डिकम्पोज होता है तो वाटर रिलीज हो जाएगा उससे तो हो सकता है और वाटर रिलीज हो जाए और जो आपका सैंपल है अगर आप मीट का फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो और जो सैंपल का मास है वही मीट का मास है वही कम हो जाए और वो ज्यादा वाटर छोड़ना शुरू हो जाए Okay. एक तो वाटर जो उसमें कंटेंट था आपको देखना है कितना है लेकिन उस चक्कर में आपने फूड को de किया के चक्कर में वो और पानी छोड़ने लग गया ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस आप फेस करते हो जब आप मॉइस्चर को निकालने की कोशिश करते हो अपने फूड आइटम से तो मोस्ट ऑफ द मेथड है फॉर एस्टिमेशन ऑफ वाटर इन फूड डिपेंड्स ऑन लॉस इन द वेट ऑन हीटिंग तो जो मेजोरिटी हमारे मेथड्स हैं वो इसी अराउंड है कि जब हम उनको हीट करते हैं आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो अगर मैं आपको इस लेमैन इंसान से बिल्कुल ही ये सवाल पूछूं कि आपको किसी चीज़ का पानी का कंटेंट कम करना है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं पानी का क्वांटिटी कम कर रहे हैं किसी चीज से तो वो बोलेगा उसको बॉयल करो उसको हीट करो ड्राई करो ठीक है सिंपल हम जब बालों से पानी सुखाना होता है तो हम बालों को ब्लो ड्राई करते हैं ना या एयर ड्राई करेंगे ताकि ड्राई हो जाए और वाटर कंटेंट जो है वो गायब हो जाए तो यही मेन तरीका है ठीक है तो जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो कहीं कही ना कहीं इसी अराउंड घूमेंगे एंड एक्सपोजर टू एयर ऑफ द ड्राइंग ओवन ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टन अगेन इन वेट इन सच द लॉस इन वेट ड्यू टू मॉइस्चर अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है अगर आप ओवन में ड्राई करने की कोशिश करोगे आपने ओवन में किसी प्रोडक्ट को डाला ठीक है ओवन में आप उसको डालोगे ड्राई करने के लिए ये ओवन है आपने ड्राई करने के लिए डाला लेकिन ओवन में क्या यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑक्सीडेशन से क्या होता है नए ऐसे कंपाउंड पैदा हो जाते हैं वहां पे जो इस फूड में जाएंगे ठीक है ये जो कंपाउंड है ये आपके फूड को क्या करेगा ये उसके कॉन्सीटेंट्स को और हैवी बनाएगा अब जो फाइनली आप मेजर कर रहे हो कि आपके फूड का कितना ये है वेट है वो आपको ज्यादा वेट मिलेगा क्योंकि ऑल दो वाटर लॉस तो हो गया लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से और कंपाउंड्स उसमें बन गए ठीक है इट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन कंपाउंड जिससे आपका जो फूड आइटम है और ज्यादा हैवी हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम क्या करेंगे अगर एयर में उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे इसलिए हमें क्या करना होता है इस एरर को कम करने के लिए जो ड्राइंग है हमेशा वी शुड बी दैट शुड बी परफॉर्म इन वैक्यूम दैट मीन जहां पे आपकी एयर प्रेजेंट नहीं होगी ठीक है अब जो लॉस इन वेट है वो हमेशा आपको वाटर के जाने की वजह से नहीं मिलेगा कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं ठीक है थीके? जैसे

एक बार क्विक रिविजन इसका कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा ताकि आप ये चीजें जो है वो रिकॉल कर पाओ हमने देखा पहले केमिकल एनालिसिस केमिकल एनालिसिस हम करते हैं देखने के लिए केमिकल कॉम्पोनेंट्स क्या है फूड में वो हमें क्वालिटी सेफ्टी अश्योरेंस कंजम्पशन उसमें हेल्प करता है शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करता है तो उसके लिए हमें देखना होता है केमिकल कॉम्पोजिशन जो है फूड का वो क्या है पहले ये सिर्फ एडल्ट्रेशन के लिए होता था लेकिन बाद में इसको एक ब्रॉडर पॉजिटिव पॉइंट में भी लेने लगे क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोसेस्ड फूड में कितने और होने चाहिए वगैरह वो भी हमें इसी से पता चलता है ठीक है ये हमें रॉ एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों के लिए काम आता है फाइन जो नॉलेज होती है केमिकल एंड बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड की वो मैन्युफैक्चरर भी यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है वेरियस न्यूट्रियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए ताकि जो अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको मेंटेन कर सके एंड इंप्रूव कर सके फिर इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो यूज होते हैं केमिकल एनालिसिस में सबसे पहला जो है पहले हम देखते हैं अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस ये मेथड है जो बताता है फूड में कितना मॉइस्चर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट फाइबर एड कंटेंट है और इसके लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी होती है जिनके नाम कुछ ऐसे हैं ठीक है तो स्टार्ट हम कर रहे हैं पहले मॉइस्चर से हम देख रहे हैं हम डिटरमिन करेंगे फूड में कितना मॉइस्चर है क्योंकि इससे हमें पहले वेट पता चलता है हमें शेल्फ लाइफ का पता चलेगा हमें क्वालिटी जो है फूड की उसका पता चलेगा ठीक है एंड देन स्टेबिलिटी कितना मेंटेन रहती है फूड की वो सारी चीजें हमें पता चलती है जब हम उसमें से देखते हैं मॉइस्चर फूड में कितना निकलेगा अब वो जो मॉइस्चर है उसका हम देख रहे हैं अब वो कुछ चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि मॉइस्चर निकालना इतना आसान हमारे लिए नहीं है फूड सैंपल से उसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हम मतलब मेथड हमने यूज़ किया तो वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट नहीं होगा जिससे अंडर एस्टीमेट हम करेंगे मॉइस्चर कंटेंट दैट मीन जितना है उससे कम वैल्यू दिखाएंगे अब अगर हम रेगुलसली प्रैक्टिस करना शुरू करें कि हमें सारा मॉइस्चर रिमूव करना है तो हो सकता है इस चक्कर में हमारा फूड जो है वो डिकम्पोज हो जाए और वहां से वो और ज़्यादा वाटर जो है वो रिलीज करना शुरू हो जाए तो बेस्ट तरीका क्या होता है ये देखने का कि कितना वाटर है आपके फूड में कि हम फूड को ड्राई करेंगे तो पहले उसका वेट देखेंगे विद वाटर कितना था फिर विदाउट वाटर कितना था तो हमें पता चलेगा वाटर कंटेंट कितना था फूड में ठीक है अब अगर आप एयर में उसको ड्राई करने की कोशिश कर रहे हो जैसे एग्जाम्पल ओवन में मैंने आपको बताई तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी अलग कंपाउंड वहां प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड देन आपको जो वेट है सैंपल का वो और इंक्रीज हो जाएगा तो अगर आपका वाटर लॉस हुआ भी है उससे आप डिटर्मिन नहीं कर पाओगे कि कितना वाटर लॉस हुआ क्योंकि फाइनल जब प्रोडक्ट का आप वेट करोगे तो वो इंक्रीज अमाउंट में ही आपको मिलेगा अब इस एरर को कम करने के लिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए वैक्यूम में उसको ये जो है सारा प्रोसेस वैक्यूम में कंडक्ट करने की ठीक है यहाँ पे और एक बात याद रखना ऑल दो तो हम अभी भी मेथड फॉलो करते हैं जहां पे एयर ओवन में हम उसको ये करते हैं जो है ड्राई करने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पे हमें कुछ एरर्स जरूर फेस करने पड़ेंगे उनको रिड्यूस करने के लिए आप वैक्यूम वो यूज़ कर सकते हो तो आगे देखते हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू वे अब हम कैसे कैसे मॉइस्चर को डिटर्मिन कर सकते हैं हमारे फूड में वो दो तरीकों से आपको पता चल सकता है या डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से ठीक है तो डायरेक्ट मेथड है वो आपके हो गए डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन एंड इट्स क्वान्टिटी बाय इज मेजर्ड बाय वेहिंग टाइट्रेशन एंड सो फोर्थ जिसके नाम है ओवन ड्राइंग वैक्यूम ड्राइंग फ्रीज ड्राइंग डिस्टिलेशन मेथड कार्ल फिशर मेथड केमिकल डिसिकेशन थर्मोग्रावेट्रिक एनालिस एंड गैस क्रोमोटोग्राफी तो ये सारी जो टेक्निक्स है हमें इस

तो डायरेक्ट मेथड्स देखते हैं क्या क्या है मैंने कहा एयर ओवन ड्राइंग मेथड है जैसे आप ओवन में ड्राई करते हो मैंने आपको एग्जांपल दी बेक करने की जो हम घर में ओवन में बेक करते हैं ऑल दो उसमें एरर आ सकता है लेकिन ये मेथड जो है ये मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड है फॉर रूटीन मॉइस्चर डिटरमिनेशन इसमें क्या बोला गया जो ओवन है शुड भी थर्मली रेगुलेटेड एट प्लस माइनस पॉइंट डिग्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एंड जो मिनिमल टेम्परेचर वेरिएशन है वो होनी चाहिए आपकी लेस देन प्लस माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है विद इन द ओवन तो जो मेन क्राइटेरियन है वो ये है कि सैंपल थर्मली स्टेबल होना चाहिए एंड शुड नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड तो ज्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं होने चाहिए थर्मली स्टेबल होना चाहिए ये आपके दो क्राइटेरियन है इसमें अब ये क्या हुआ थर्मली रेगुलेटेड एट प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस या ये ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको केक बेक करना है ठीक है ओवन में आप केक बेक करोगे उसका आप टेम्परेचर सेट करते हो 177 डिग्री सेल्सियस प्रेफर टेम्परेचर है केक बेक करने के लिए जिससे क्या होगा इवनली आपका केक जो है बेक हो जाएगा आप ओवन जो यूज़ करते हैं रेगुलरली उन्होंने एक चीज देखी होगी वे टाइम क्या हो जाता है ओवन में एक टेम्परेचर मेंटेन रखना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो कभी ये वन डिग्री सेल्सियस से बढ़ के आपका वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सेल्सियस भी बन सकता है या वन सेवेंटी नाइन वन एटी हाँ और अगर डिप हो जाता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है तो वन सेवेंटी सेवन से वन सेवेंटी थ्री तक भी पहुंच सकता है तो ये वेरिएशन जो है आपको टेम्परेचर में देखने को मिलती है ओवन की लेकिन हमने किस पे सेट किया था वन सेवेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे अब इससे क्या हो जाएगा आपका जो केक है वो इवनली बेक नहीं होगा क्योंकि आपको ये टेम्परेचर चाहिए था लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस तो अनइवनली बेकिंग इसकी नहीं होगी फाइन अनइवनली इसकी बेकिंग नहीं होगी तो so, इसको करने के लिए इन्होंने क्या कहा थर्मली शुड बी रेगुलेटेड एट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये क्या कहता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ हो जाए आपके सैंपल का जिसमें से आप वाटर ड्राई करने की कोशिश कर रहे हो या तो वो वन सेवेंटी सेवन इस एग्जाम्पल में आपकी लेती हूँ वन सेवेंटी सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और वन सेवेंटी सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस दैट इज वन सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए या 176.5 डिग्री सेल्सियस तक डिप होना चाहिए अगर इंक्रीज होगा तो जो आपने टेम्परेचर सेट किया है उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए फॉर एग्जांपल आप एक मीट के सैंपल का वाटर ड्राई कर रहे हो और उसके लिए अगर आपने एक टेम्परेचर सेट किया है अगर उसमें टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आए या तो वो सिर्फ प्लस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होनी चाहिए एंड अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब होने के चांसेस हो तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने सेट किया है उससे माइनस पॉइंट फाइव दैट इज इन दिस एग्जाम्पल कैन बी टेकन एज वन सेवन सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए ठीक है तो ये था कि आपको थर्मली इट शुड बी रेगुलेटेड एट प्लस माइनस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको याद रखना है एंड सेकेंडली इन्होंने कहा कि जो मिनिमल टेम्परेचर है मिनिमल एक मिनट हाँ। तो इन्होंने कहा जो मिनिमल टेम्परेचर है आपका वो किस पे रहना चाहिए लेस देन प्लस माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस तो इसका क्या मतलब हुआ देखो जो ओवन आप मतलब आप ओवन में आपको एग्जांपल इसलिए दे रही है जब घर में यूज करते हो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा बाकी साइंटिस्ट जो करते हैं वो बहुत एक बड़ी स्केल का होगा ठीक है ओवन में जो ओवरऑल टेम्परेचर है दैट मीन ओवन जो वो यूज करेंगे या इवन घरों में भी होता है ओवन के डिफरेंट ट्रैक्स भी आपको मिलते हैं एक ओवन के मल्टी रैक्स होंगे तो जो इनसाइड साइड विद इन देशर है जैसे एक रैक से दूसरे रैक दूसरे रैक से तीसरे रैक उसमें भी ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्लस थ्री डिग्री सेल्सियस या माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस दैट मीन जो आपका मेन टेम्परेचर है उससे प्लस थ्री या माइनस थ्री ठीक है यही आपका सिर्फ जो है टेम्परेचर इसमें होना चाहिए इससे क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स पे या तो वो के जो दो पॉइंट्स पे अगर आप मेजर करो टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी टाइम पे दैट शुड बी विद इन थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है तो उसे क्या होगा जितने भी पार्ट्स है फूड सैंपल के वो आर एक्सपोज्ड टू द सेम ड्राइंग कंडीशन ऐसा नहीं है दूसरे रैक में कुछ रखा है तीसरे रैक में कुछ रखा है उनको अलग टेम्परेचर मिल रहा है ठीक है तो ये दो चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है तो आपने कौन सी दो चीजें देखी एयर ओवन ड्राइंग में कि जो सैंपल आप यूज कर रहे हो उसके लिए जो आपने टेम्परेचर सेट किया है स्टैंडर्ड उससे प्लस माइनस फाइव डिग्री से, सेल्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस वेरिएशन ही आनी चाहिए और विद इन द टेम्परेचर जो टेम्प विद इन द ओवन सॉरी ओवन के अंदर का जो टेम्परेचर है किसी भी टाइम पे अगर आप दो पॉइंट्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालो तो वो थ्री डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही होना चाहिए ठीक है तो ये हुआ आपका एयर ओवन ड्राइंग मेथड तो उससे आपका वैक्यूम ओवन ड्राइंग मेथड इट इज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट ड्राइंग मेथड फॉर मॉइस्चर एनालिसिस ऑफ फूड मोस्ट एक्यूरेट है फाइन क्योंकि इसमें क्या करते हो विदाउट एयर आपने एयर इंजेक्ट आउट करते हो ये वैक्यूम वाले स्पेशली होते हैं ओवन इसमें वो ऑक्सीडेशन वाली चीज नहीं होती है जो हमने अभी पीछे डिस्कस करी थी तो जो एओ है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट ठीक है ये बेसिकली क्या है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट करता है स्टैंडर्ड्स

उनके लिए फूड इंडस्ट्री में जो प्रोसीजर्स होते हैं जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है आपका एओएसी। तो एओएसी क्या बोलता है रेकमेंड करता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है फूड का वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाय हीटिंग फूड एट 98 टू वन डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए इसका ट्वेंटी टू हंड्रेड एच ठीक है फॉर टू टू सिक्स एच विच इज और लोअर टेम्परेचर कैन बी यूज फॉर हीट सेंसिटिव शुगरी प्रोडक्ट्स इन शुगर टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन यूज फॉर प्रोडक्ट्स लाइक जैम कन्फेक्शनरी जो आपके शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लोअर टेम्परेचर को सेट किया गया है उसमें से मॉइस्चर एनालिसिस करने के लिए अदरवाइज हीटिंग का प्रोसीज ये क्या है स्टैंडर्ड नाइन्टी ए टू वन हंड्रेड टू डिग्री सेल्सियस ठीक है और लोअर टेम्परेचर स्किन के लिए जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होंगे या आपके शुगरी फूड प्रोडक्ट्स uh, होंगे तो उनके लिए कितना है सिक्सटी टू सेवेंटी ठीक है तो ये दोनों आप याद रखोगे ये किसने सेट किया है एओ ए सी ने अब हो गया आपका ये वाला मेथड ओवन ड्राइंग मेथड हो गया फिर हम आगे डिस्टिलेशन मेथड पे ये सारे मेथड्स मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखे हैं ओवन तो ड्राइंग हो गया फिर हम देखेंगे हमारा वैक्यूम ड्राइंग भी हो गया फ्रीज ड्राइंग मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्या होता है अब देखेंगे हम डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है ठीक है डिस्टिलेशन देखते हैं डिस्टिलेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है डायरेक्ट डिस्टिलेशन एंड रिफ्लक्स डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन का बेसिकली हम करते क्या है होता क्या है डिस्टिलेशन ये आपको किसी भी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स बताता है उसमें क्या होते हैं और वो किस बेसिस पे आपके कॉम्पोनेट्स अलग करता है किसी भी मिक्सचर के इस बेसिस पे कि वो जो कॉम्पोनेंट्स हैं जिनसे वो मिक्सचर बना है उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है तो आप मिक्सचर को बॉइल करोगे उसके बाद वेपर बनेंगे वे बाद आप उनको कंडेंस करते हो फिर से वेपर को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे एंड देन जो लिक्विड आएगा आपको अलग अलग, अलग कॉम्पोनेट्स आप वहां से निकाल सकते हो ये बेसिक है डिस्टिलेशन का ठीक है तो हमारे यहाँ पे दो तरीके यूज होते हैं डायरेक्ट डिस्टिलेशन एंड रिफ्लक्स डिस्टिलेशन डायरेक्ट डिस्टिलेशन के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे देख लो एक मिक्सचर है ऑयल में ठीक है ये मिक्सचर सीड्स ग्रेन्स वगैरह जहां से आपको जो मॉइस्चर है वो निकालना है तो यहाँ पे आपने ग्रेन्स डाले इस ऑयल में यहाँ पे वाटर नहीं यूज करते हो आप इमेसिबल लिक्विड यूज करते हो इमेसिबल लिक्विड होता है जो आपका डिजोल्व या मिक्स नहीं होता है वाटर में फॉर एक्जाम्पल ऑयल ठीक है ऑयल आपका वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है वो एक इमेसिबल लिक्विड है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मिनरल ऑयल यूज करेंगे तो आप क्या करोगे मिनरल ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा दैट जल्दी इवेपरेट नहीं हो जाएगा जल्दी बॉयल नहीं होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका ठीक है तो ग्रेन्स आप इसमें रखोगे ऑयल में एंड इसको हीट करोगे तो क्या होगा यहाँ से आईसा आसा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे जब वेपर्स शुरू हो जाएंगे यहाँ से तो वो वेपर्स यहाँ से पास होंगे और कंडेंसर से निकलेंगे तो कंडेंसर का क्या होता है इसका कोल्ड टेम्परेचर होता है तो जब वो वेपर फॉर्म इस कोल्ड टेम्परेचर को टच करेगा वो वेपर इस कोल्ड टेम्परेचर को टच करेगा वो क्या उनकी कंडेंसेशन हो जाएगी कंडेंसेशन में क्या होता है जो वेपर होता है आपका वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर और इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में कलेक्ट होंगे तो यहाँ से आप इन ग्रेन्स का जो मॉइस्चर है वो निकाल सकते हो डायरेक्ट डिस्टिलेशन मेथड में फूड जो है इज हीटेड इन अ लिक्विड इमेसिबल इन वाटर जैसे आपका मिनरल ऑयल जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वाटर इन द फूड लाइक स्पाइस एंड हर्ब्स के लिए मोस्टली यूज होता है वो डिस्टिल करता है डायरेक्टली फ्रॉम दिस लिक्विड ठीक है

फाइन एक दूसरे से डिफरेंट होता है फिर आप उनको मिक्स करते हो उनको हीट करोगे उनका वेपर क्रिएट करोगे और फाइनली आपको जो कॉम्पोजिशन लास्ट में मिलेगा वो एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा कॉम्पोजिशन एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ठीक है तो वो होता है इसकी एजोट्रोपिक प्रॉपर्टी होना किसी सॉल्वेंट मिक्सचर की फाइन तो ड्यूरिंग हीटिंग क्या होता है वाटर और एक इमेसिबल सॉल्वेंट होता है इसमें फॉर एग्जांपल हम लेंगे टोलिन और जाइलिन ये भी इमेसिबल सॉल्वेंट आपका दैट मींस डज नॉट मिक्स विद वाटर तो एक होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनाएगा वाटर के साथ ये क्या वाटर से सेपरेट ही रहता है दे डिस्टिल ऑफ एट अ कॉन्स्टेंट रेशियो एंड फ्रीक्वेंटली एट अ टेम्परेचर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इधर कॉम्पोनेट अगर आपको यहां से समझ में नहीं आओ आपको एग्जाम्पल देखनी है तो हम लेंगे दो चीजें एक लेंगे वाटर एक लेंगे टॉलिन ठीक है वाटर का बॉइलिंग uh, पॉइंट है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड टॉलिन का बॉयलिंग पॉइंट है वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस दैट मींस वाटर जो है वो कब तक बॉईल नहीं होगा जब तक आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप ना करो एंड टॉलिन कब तक नहीं होगा जब तक 110 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट अप ना करो अब रिफ्लक्स डिस्टिलेशन में क्या होगा इनकी एजोट्रोपिक प्रॉपर्टी से हम काम लेंगे वो प्रॉपर्टी क्या होगी हम इनको मिक्स करेंगे कंबाइंड इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बनेगा 85 डिग्री सेल्सियस दैट मीनस जब आप 85 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना शुरू हो जाओगे तो सेम ये क्या करेंगे वेपर बनना शुरू हो जाएंगे विद द सेम कॉम्पोजिशन जैसे लिक्विड की होती है ठीक है तो ये जो डिस्टिलेशन रेशियो है इसका इसमें मिक्सचर इज ट्वेंटी परसेंट आपको वाटर मिलेगा एंड एटी परसेंट आपको टॉलिन मिलेगा ठीक है क्योंकि हमें पता है जो वाटर है वो डेंसर होगा टॉलिन से तो वाटर को आप अगेन किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में अलग से कलेक्ट कर सकते हो वो डेंसर है तो वो कहाँ पे सेटल हो जाएगा वो नीचे सेटल हो जाएगा तो वहां से आप वाटर को अलग करके निकाल सकते हो इसके लिए हम जो एपरेटर्स यूज करते हैं दैट इज अ डीन स्टार्क एपरेटर्स कैन बी यूज फॉर दिस ठीक नेक्स्ट इज कार्ल फिशर मेथड कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड क्या होता है पहले देखो टाइट्रेशन क्या होता है टाइट्रेशन होता है हम ड्रॉप्स एड करते हैं एक सेल्यूशन के एक दूसरे सेल्यूशन में ठीक है एडिशन होती है ये हम कब तक करेंगे जब तक हमें कोई स्पेसिफिक रिएक्शन चाहिए वो अचीव ना हो तो वही मेथोडोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड में इसमें क्या होता है आप क्या करोगे एक रीएजेंट बनाते हो कार्ल फिशर रि एजेंट के एफ रियजेंट उसको बोलते हैं उसमें होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड पायरेडीन ठीक है आपका आयोडीन होता है एंड आपका एक अल्कोहल होता है उसको आप अपने सैंपल के साथ रिएक्ट करवाओगे जो सैंपल के अंदर का वाटर क्वांटिटी है वो उसके साथ बेसिकली रिएक्ट करेगा ठीक है तो इस सारे प्रोसेस में आपको ये देखना है वो रिएक्शन कैसे अचीव होगी वो हम अभी देखते हैं आपको एंड रिजल्ट कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो देखोगे इस सारे प्रोसेस में जो आपका ये री एजेंट था ये कितना कंज्यूम हो गया किस क्वांटिटी में कंज्यूम हो गया ठीक है वहां से आपको पता चलता है जो मॉइस्चर है वो कितना उस जो सैंपल है वहां से आप डिटर्मिन कर सकते हो मॉइस्चर की कितनी क्वांटिटी आपकी खत्म हो गई होगी इस बेसिस पे कि आपका जो री है वो कितना कंज्यूम हो गया इस प्रोसेस में अब देखो ये किन के लिए यूज होता है ये उन चीजों के लिए यूज होता है जैसे आपके ड्राइड वेजिटेबल्स ऑयल्स, फैट्स कोको प्रोडक्ट्स एंड लिक्विड मोलासिस ठीक है तो जहाँ पे हीटिंग मेथड्स आपके काम नहीं आते हीटिंग मेथड से आपको कुछ गलत रिजल्ट मिल सकता है वहाँ पे आप ये मेथड यूज करते हो ये मेथड है इट इज बेस्ड अपॉन द क्वाटिटेटिव रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन हाइड्रस सल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एन हाइड्रस मीन वॉटरलेस ठीक है सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आयोडीन डिजॉल्व इन पेरेडीन एंड एन अल्कोहल ठीक है उसको आप रिएक्ट करवाते हो वाटर के साथ तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे हमारे सैंपल के जो अंदर का वाटर है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा अब मैंने आपको कहा टाइट्रेशन में क्या होता है जब तक हमें वो रिएक्शन अचीव ना हो तब तक हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है अपना ऐड करते रहते हैं तो सिंपली यहाँ पे भी आप वही करोगे अपना जो आपका सोल्यूशन है रीएजेंट है उसको आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे अपने सैंपल के साथ अब आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन अचीव हुई है कि नहीं उसके दो तरीके हैं देखने के पहला हुआ कि आप देखोगे कि वो जो आपका सैंपल है जहाँ पे आप ये रिएजेंट भी ऐड कर रहे हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं तो वो क्या कलर अचीव होना चाहिए ब्राउन कलर तो विजुअली आप डिटर्मिन कर सकते हो देख के कि वो ब्राउन कलर आया कि नहीं या हमारे पास एक डिवाइस आती है पोटेंशियो मीटर आप पोटेंशियो मीटर से भी देख सकते हो ठीक है वो इलेक्ट्रिकली आपको बताएगा इलेक्ट्रिकल पल्स वो देख के कि आपका जो रिएक्शन है वो अचीव हुआ है कि नहीं इन दो तरीकों से आपको पता चलेगा वेन टू स्टॉप दिस जब कब आपको वो रिएजेंट को उसमें ऐड करना स्टॉप करना है तो जो फूड सैंपल्स हैं वो दो तरीकों के हो सकते हैं अगर वो वाटर जो है उस सैंपल में से आप इजीली निकाल सकोगे मतलब वाटर ही थोड़ा आपका सैंपल है तो वो आप डायरेक्टली री के साथ उसको क्या कर सकते हो मिक्स कर सकते मतलब री को डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हो लेकिन अगर सॉलिड फूड्स हैं जहां से वाटर एक्सट्रैक्ट इतना जो है ईजिली नहीं हो सकता और वाटर इतना जल्दी एक्सेसिबल नहीं है वहां पर वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटू एनहाइड्रस मेथनॉल एंड देन एस्टिमेटेड तो वहां पर वाटर को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इंटू Methanol, किसके साथ एक वाटर फ्री के, के साथ आप अपने फूड आइटम को रिएक्ट करवाओगे उससे कुछ वाटर रिलीज होगा और उस वाटर को फिर अपने रिएजेंट के साथ क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप ऐड करोगे और चेंजेस नोट करोगे या तो पोटेंशियोमीटर से या तो कलर चेंज से कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सैम्पल कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वॉल ऑफ जो आपका के एफ का री एजेंट है कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एंड द नॉन कंसनट्रेशन ऑफ द री एजेंट आपको पता होगा कि रीएजेंट की नॉन कंसंट्रेशन कितने अमाउंट है फिर सारे प्रोसीजर के बाद आपको देखना है कितने अमाउंट जो है क्योंकि आप ड्रॉप एड ड्रॉप उसको एड कर रहे थे तो कितना अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो गया तो वहां से आप जो है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंपल कैन भी डिटर्मिन तो ये हुआ आपका कार्लफिशर मेथड तो यहाँ आपके डायरेक्ट मेथड्स खत्म होते हैं अब आपके इनडायरेक्ट मेथड है आई गेस हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक देखा उसका तो पहले हमने देखा केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या होता है वो हमें क्यों करना चाहिए हमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है फूड का वो पता होना चाहिए ताकि हम क्वालिटी वगैरह उसकी डिटरमिन कर सकें शेल्फ लाइफ कितनी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वो हमें पता चले हमें कंटेमिनेंट्स का पता चले कि कितने टॉक्सिन हो सकते हैं हमारी फूड में ठीक है कंटेमिनेंट्स का पता चले इन सारी चीजों की वजह से हमें उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन जो है वो पता रहना चाहिए तो उसमें हम सेफ्टी क्वालिटी कॉम्पोजिशन है वो डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जो हमने यहाँ पे देखी थी अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस हम पहले देख रहे थे उससे हमें पता चलता है बेसिक कॉम्पोनेट ऑफ फूड क्या क्या है जैसे आपका मॉइस्चर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट फाइबर एंड एश कंटेंट तो हमें अलग अलग और टेक्नोलॉजी से देखना है ये सारी चीजें हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारे फूड में मॉइस्चर कितना कितना है प्रोटीन कितना है प्रोटीन फैट कितना है कार्ब्स कितने हैं फाइबर कितना है, कंटेंट कितना है है कंटेंट तो स्टार्ट हमने किया मॉइस्चर से क्योंकि वाटर जो है वो सिंपलेस्ट है सारे ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फूड फूड में जितने सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं आपके कार प्रोटीन वगैरह सबसे सिंपल क्या होता है उसमें वाटर कंटेंट तो वाटर को हम देखेंगे डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हमारे पास क्या थे तो वो हमने कुछ डायरेक्ट मेथड देखे इनडायरेक्ट देखे फिर ओवन ड्राइंग मेथड हमने देखा जिसमें हम डायरेक्टली वाटर वॉटर को क्या करते हैं ड्राई करते हैं ओवन में तो आपको पहले एक फूड आइटम को आप वे करोगे उसका वेट उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद उसका वेट देखोगे जितना रिडक्शन हुआ होगा दैट मीन्स वो क्या था आपका पानी था जो अब सूख गया है सिंपल प्रोसीजर है इसके लिए मैंने आपको कहा थर्मली स्टेबल थर्मली वो रेगुलेटर होना चाहिए प्लस माइनस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पे ये मैंने आपको कहा ये क्या होता है कि जो वेरिएशन है आपके ओवन का वो इतना ही जाना चाहिए एंड विद इन द ओवन आपका टेम्परेचर वेरिएशन जो है किसी भी दो पॉइंट पे अगर आप कभी भी निकालो वो थ्री पॉइंट वो थ्री डिग्री सेल्सियस में ही हमेशा रहना चाहिए और इसमें प्लस माइनस पॉइंट फाइव में क्या था जो भी आइटम आप बेक कर रहे हो उसके लिए टेम्परेचर सेट करोगे तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस आपकी प्लस माइनस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ही जानी चाहिए ठीक है फिर वैक्यूम में क्या होगा ओवन ड्राइंग मेथड आप वो वैक्यूम में यूज करोगे एयर वहां पे नहीं होनी चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन ना हो एओएसी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे हीट करने के लिए फूड को 98 एट तो टू वन डिग्री सेल्सियस लेकिन अगर आपका फूड जो वो हीट सेंसिटिव है या शुगरी फूड प्रोडक्ट है उसके लिए सिक्सटी टू तो सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है फिर डिस्टिलेशन हमने कहा था इसमें क्या करते हैं हम दो मिक्सचर uh, अगर कोई भी हमारे पास होगा उसे कॉम्पोनेंट से हमें अलग करने होंगे तो वो हम कर सकते हैं इस बात पे कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा ठीक है तो डायरेक्ट डिस्टिलेशन मेथड में हमने क्या किया हमने ऑयल में अपने ग्रेन्स को हीट किया फिर जो ग्रेन्स का जो मॉइस्चर है वो इवेपरेट हो गया वो कंडेंस होकर पानी बन गया तो वहाँ से हमने पानी अलग एक्सट्रैक्ट किया फिर हम दोबारा ग्रेन्स को वेट कर सकते हैं देख सकते हैं कितना पानी जो है वो फिर हम दोबारा वो पानी ग्रेन्स को नहीं पानी को मेजर करेंगे ठीक है देखेंगे कितना पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है फाइन और जो पहले था विद वाटर ग्रेन्स का वेट वो कितना था फिर फ्लाक्स डिस्टिलेशन इसमें एजोट्रोपिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं सॉल्वेंट की क्या एजोट्रोपिक प्रॉपर्टी में क्या करते हैं लिक्विड जो है दो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से फा, फाइन जब उनको हम फिर मिक्सचर बनाते हैं फिर उनका जो वेपर निकलता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक सेम लिक्विड की तरह होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जाम्पल वाटर का टोलिन का वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस लेकिन मिक्सचर का 85 फाइव डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ से जो वेपर बनेगा वो सिंपल एक कॉम्पोजिशन का बनेगा जिसमें जो डेंसर पार्ट है इस वाली जो हमने एग्जाम्पल ली थी इसमें ट्वेंटी परसेंट मिक्सचर आपको वाटर मिलेगा एट्टी परसेंट टॉलिन मिलेगा क्योंकि वाटर डेंसर है तो वो नीचे सेटल हो जाएगा वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो तो ये हम यूज कर सकते हैं किसी एक फूड प्रोडक्ट के लिए जो बहुत जिसका वॉटरी कंपोजिशन होगा फॉर एग्जाम्पल केक पेस्ट्री जो मॉइस्चर हाई कंटेंट जिनमें ज्यादा होगा या वो मीट सॉसे जिनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसके लिए आप यूज करते हो डीन स्टार्क एपरेटस को फिर हमने देखा कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड टाइट्रेशन मेथड क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो एक सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप आप दूसरे सोल्यूशन में एड करते हो तब तक जब तक कोई स्पेसिफिक रिएक्शन आपको अचीव ना हो तो इस मेथड तो में हम क्या करते हैं एक रिएजेंट होता है हमारा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड पायरोडीन आयोडीन एंड आपका एक अल्कोहल होता है वो रिएजेंट बनाया उसको स्टेप बाय स्टेप हम अपने वाटर के साथ ऐड करते हैं दैट मीन सैंपल के साथ ऐड करेंगे तो जो सैंपल के अंदर वाटर है वो उसका रिएक्ट करेगा फाइन एंड जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमें स्टॉप करेंगे वो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी वो देखने के तरीके दो हैं पहला वो विजिबली कलर चेंज होगा ब्राउन कलर होना चाहिए उसका एंड सेकेंडली हम एक पोटेंशियो मीटर को भी यूज करके वो रिएक्शन जो है देख सकते हैं कब कंप्लीट होगी ठीक है तो कितना हमने कंज्यूम किया वो री को इस प्रोसेस में क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम ऐड कर रहे हैं री को तो हम वो मेजर कर सकते हैं किस क्वांटिटी का जो रिएजेंट है वो यूज हुआ है तो वहां से हम देख सक देख सकते हैं कि हमारा जो ये है मॉइस्चर uh, कंटेंट जो हमारा सैंपल का है वो कितना है तो यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है नेक्स्ट टाइम इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे एंड कुछ और भी चीजें डिस्कस करनी है आई गेस दो या तीन पार्ट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो आज मैं यहीं पर स्टॉप करी हूँ ताकि आप ही रिवाइज कर पाओ अच्छे से और आप कन्फ्यूज ना हो जाओ इसमें तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर है ग्रेट डेट करते हैं यहीं से hi everyone welcome to Car